राजगढ़ जिले के जीरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वन उपज तस्करी करने के लिए खैर की लकड़ी का अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे, जिन्हें जीरापुर की पुलिस टीम की मुस्तैदी से धर दबोचा गया। आरोपी से भारी मात्रा में वन उपज खैर की लकड़ी जब्त की गई है। थाना जीरापुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक ट्रक में अवैध रूप से वन उपज का परिवहन कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी जीरापुर उमेश यादव ने एक टीम को उचित निर्देश देकर मामले की तस्दीक करते हुए रवाना किया। मुखबिर से सूचना मिलने के अनुरूप ही पुलिस टीम द्वारा एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसमें चेक करने पर उस ट्रक के करीबन 13 टन खैर की लकड़ी मिली। वाहन चालक से दस्तावेजों के बारे में पूछताछ करने पर उसके द्वारा वनोपज के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। ट्रक चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुंदर पिता नन्नूराम हरिजन उम्र लाल निवासी ग्राम गंगोड़ी तहसील फिरोजपुर जिला मेवात हरियाणा का रहने वाला बताया। गौरतलब है कि यह खैर की लकड़ी मुख्य वन उत्पाद है, जिसमें कत्था बनाया जाता है। संभवतः यह खैर की लकड़ी चोरी करके तस्करी के रूप में ले जाई जा रही थी। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के एसपी साहब श्री प्रदीप शर्मा साहब का आदेश है कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में सख्त से वाहन चेकिंग की जाए और अगर कोई अवैध गतिविधि पाई जाती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल जीरापुर थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग दौरान जो मुखर सूचना प्राप्त हुई थी कि छापेड़ा तरफ से ट्रक आ रहा है, जिसमें करीबन 13 टन खैर की लकड़ियां भरी हुई हैं। सूचना पर विश्वास कर जीरापुर थाने की पुलिस ने दबिश दी है और ट्रक चालक को माल सहित ट्रक सहित पकड़ लिया है। इसमें करीबन 13 टन खैर की लकड़ियां हैं और ट्रक चालक नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुंदर कुमार पिता नन्नू नाम हरिजन बताया, जो कि हरियाणा राज्य के मेवात जिले का है। आरोपी से खेल की लकड़ी से उन्हें दस्तावेज मांगे गए, कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिससे थाना जीरापुर पुलिस ने धारा 102 याफ्ता फौजदारी और 389 भादवी में ट्रक को माल सहित जब्त किया है, जिसकी कीमत करीबन 8.5 लाख रुपए है। चूंकि मामला खेर उत्पादक से संबंधित है, जिससे कत्था बनाया जाता है, वन विभाग से संबंधित मामला है, तो अग्रिम कार्रवाई हेतु वन विभाग के रेंजर स्तर के अधिकारी को अवगत कराया और जहां पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आरोपी चालक पुलिस द्वारा जब्त करके वन विभाग को हैंडओवर किया जा चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।